वो हादसा कैसे बचा रहा है? एक तरफ भगवान राम का विरोध करता है, दूसरी तरफ शंकर भगवान की तस्वीर ला के भंडर बजाता है। भगवान का जो भक्ति करनी है वो घर पे भी हो सकती है। तो अखिलेश यादव भी जाता था। अगर एक हिंदू सत्संग में नहीं जाएगा क्या वो ताजिए में जाएगा? अच्छा, चमचागिरी राहुल गांधी की करे वो मूर्ख कहलाए, हम महामूर्ख वो चमचा है जो सोनिया गांधी के गुण गाए। तो पूरी पूरी ब्लेम सोशल मीडिया को करूंगी। हमें तो ऐसा लगता है कि गांधी परिवार का सुल्तान है खतरे में। हमारे भक्तगण हमारे चक्कर में डेथ हो गई, वो सबको स्वर्ग मिल गया। नमस्कार, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं संबिका। इस वक्त सबसे बड़ा विषय जो बना हुआ है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुबह से जो चल रही है, कल रात से जो है ये खबर चल रही है, वो है हाथरस की। हाथरस में किस तरह एक सत्संग के दौरान इतनी भीड़ उमड़ी और भीड़ में जो है कई महिलाओं समेत बच्चों की जो है जान चली गई। अब इस पर जो है राजनीतिक मुद्दा है वो भी काफ़ी तेजी से पकड़ रहा है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, उन्होंने लगातार जो है योगी सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं सपा के जो नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने जो कहा है कि हादसे हैं और ऐसे हादसे होते रहते हैं, जैसे कि उन्हें कोई हादसे से मतलब ही नहीं है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ मौजूद जो जनता है उनसे जानते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, यहीं की रहने वाली हैं आप? नहीं, हम गुजरात के अहमदाबाद से आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद, अभी जो हाथरस में जो मामला हादसा हुआ है उससे आप वाकिफ हैं? हाँ मालूम है, वो बहुत बुरा हुआ है, और लोगों को समझना चाहिए इतनी भीड़ भाड़ में। और डेथ टू ऑल्सो ज्यादातर एजेड लोग जाते हैं। हाँ। कि जो अपनी खुद की केयर घर पे भी नहीं कर सकते, तो इतने क्राउड में जाएंगे तो कैसे वो अपने आप को बचा पाएंगे। और प्रशासन को भी मैं कहती हूँ कि उनको भी सोचना चाहिए कि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनका बंदोबस्त भी व्यवस्थित होना चाहिए। उन इतने क्राउड में इतने लोग, 500 की जगह पे आप अगर 50,000 भेज दो तो कैसे चलेगा? क्योंकि 80,000 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। हाँ, एक्चुअली लेडीज को ही आजकल भगवान भगवान हो रहा है। मैं तो कहती घर पे रहो, बच्चों को देखो। लेकिन एक इंसान को भगवान मानना, लग रहा है आपको कितना सही है ये? ना, मैं तो भगवान जो दिव्य शक्ति है ना वो अलौकिक है, वो अदृश्य है। वो आप खुद आँख बंद करके कहीं भी बैठोगे तो आपको उनका दर्शन होने वाला है, उनका प्रभाव भी मिलने वाला है और उनका लाभ भी मिलने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें, जैसे कि राम रहीम है, आसाराम बापू हो गए, राधे माँ, मतलब तमाम ऐसे जो हैं बाबा, फ्रॉड बाबा पकड़े गए, उसके बावजूद जो है लोग इनके झांसे में आ रहे हैं, उसकी वजह क्या लग रही है आप? कुछ भी नहीं, खाली टाइम पास करना है घर। हाँ, आजकल लोगों को ऐसा है कि चलो ये माला पहन ले, भगवे वस्त्र पहन ले, कोई संत के साथ फोटो खिंचवा ले तो बड़ा नाम बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। भगवान का जो भक्ति करनी है वो घर पे भी हो सकती है, तो इतने भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डेट टू ऑल्सो जब आप 50 क्रॉस कर गए हो तो आपको क्राउड में नहीं जाना चाहिए। हम हर साल दिल्ली आते हैं, लेकिन हम ऑफ सीजन में आते हैं। दिल्ली का वेदर, दिल्ली की ब्यूटी हमें बहुत पसंद है, ले एवरी ईयर वी आर कमिंग। बट एंड दिस इज ये जो कॉनॉट पैलेस है वो हमारा फेवरेट पैलेस है, प्लेस है, तो वी एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच। आप वजह बता रहे थे कि कैसे मतलब राम रहीम और काफ़ी सारे बाबा जो हैं फ्रॉड पकड़े गए, उसके बावजूद भी जो है लोग इनके झांसे में आ रहे, क्या वजह लग रही है इसके पीछे? वजह बिल्कुल साफ है, ये ऋषि मुनियों का देश है। जब जो सच्चे ऋषि मुनि थे वो तो अब रहे नहीं, अब वो अगर हैं भी हो तो कहीं अपने कहीं एक स्थान बना रखा हूँ, वहीं रहते हैं। ये सब उनकी कॉपी है, ये कॉपी राइट ले रखा है इन्होंने, ये सब ठगी का मामला करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। बस ये है कि ये जिस घटना हुआ है वो बाबा साहब जो भी हैं वो हैं, उसमें तो अखिलेश यादव भी जाता था वो। अखिलेश यादव भी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ साफ बयान दिया कि ये पूरी इसमें जो है जिम्मेदारी योगी सरकार ने मतलब उन पर सौंप रहे हैं। नहीं, वो तो देखो विपक्ष का वो वहाँ का नेता है, वो तो उल्टा सीधा बोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही। तो उससे पूछे ना तुम काहे के लिए जाते थे वहाँ पे, है वो तो चलो जो घटना घट गई तो घट गई, लेकिन वो जितने लोग गए हैं वो तो सारे गरीब लोग थे। उन लोग वो उनको ठग उनको बेवकूफ़ बना कर रखते हैं कि चरणों का धूल है, फलाने का धूल, इतना ही है। अगर वो सच्चा बाबा है तो सबको जिंदा कर देना वो। क्योंकि ये सिर्फ 100 या 200 लोगों की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 2,50,000 से ऊपर लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक मतलब बहुत मुश्किल काम है। कैसे किया होगा ये, क्या लग रहा है? मैडम ये बहुत ही, देखिए ये देश ऐसा है कि लोग अभी यहाँ पर खड़े हो गए सब ऊपर देखने लग जाएंगे, उसको नीचे से मतलब ही नहीं है।
यहाँ अंधविश्वास है, आप कुछ नहीं है। आप जिस एरिया से वो लोग आते हैं, वो गरीब लोग हैं, उनको किसी ने कह दिया तो वो काफिला चल पड़ता है। यहाँ क्या है कि जिसने कह दिया ना चल पड़ता है, उसको जब गोली लग जाती है या घटना घट जाती है तब महसूस होता है ओहो ये तो मैं गलत जगह फंस गया। तो ये यहाँ चलता रहता है। इसका उत्तर प्रदेश है तो वहाँ के लोग जो गरीब हैं वो है, आप देखिए ना जो गुजरे जो उसके अंदर दब गए हैं, महिलाएं हैं, उनको महिलाएं हैं बेचारी, उनको बता दिया किसी ने जाओ बाबा के भला हो जाएगा। भला तो वो उनका बाबा का हो रहा है, उनका थोड़ी हो रहा किसी का भला। अगर इनका भला होता है तो वो सबके अपने अपने, वो बाबा देखे ना कितने बड़े महल में तो रहता है, वो एसी लगा हुआ एसी लगे हुए महल में, काफी आलीशान घर में रहते रहता है वो बाबा वो। अब देखिए अब गरीब लोग हैं, उनको बता दिया गया तो वो अपने लालच में जाते हैं कि चलो कुछ होगा, हाँ कुछ हुआ तो है नहीं, उनके प्राण आओ चले गए, उनके बच्चे अलग बिलप रहे हैं, बच्चे मर गए, किसी की माँ मर गए, किसी का वो मर गया, कितना ही बाबा है लोगों को पता नहीं भगवान इनको कैसी सजा देगा। क्योंकि अगर अगर हम बाबा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले भी मतलब रेप केस में उनको जेल भी हो चुकी है और सरकारी नौकरी में था वो। बाबा तो देखिए बाबा का जो बाबा जो सच्चे बाबा हैं वो लोग कभी आते ही नहीं है, वो तो ऐसी जगह बैठे रहते हैं, इनको मतलब ही जनता से वो ये तो सब ये सब जितने भी बाबा है आजकल जितने भी है अधिकतर है बड़े बड़े हमारा है गोल्ड गाड़ियाँ दस दस गाड़ियाँ काफिला को चल रही है सिक्योरिटी फलाना डिम का ये वो दिस डैट पता नहीं क्या क्या। ये बाबा थोड़ी है, ये बाबा नहीं है, ये कंपनी बना रखी है प्राइवेट लिमिटेड फर्म है इनकी बाबाओं की। इसको सर साजिश का नाम भी दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कोई साजिश है क्या? देखो परमिशन बिना परमिशन काम नहीं हो सकता है, परमिशन आम जनता की तो हो नहीं सकती, ये वहाँ की जो व्यवस्था उनकी परमिशन है, किसी थाने परमिशन है, इनके पास तो मुद्दा मतलब है नहीं, जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है तो इतने बंदे क्यों सुहाए, जो गलत बात है कहते पहले से ही खाने का तो वो बात अलग है। 80,000 दो ढाई लाख में कितना फर्क पड़ता है, सिक्योरिटी तुम्हारे पास नहीं है, एम्बुलेंस तुम्हारे पास नहीं है, डाटा तुम्हारे पास नहीं, परमिशन क्यों दी, जो कराए उसको जेल में करो, बाबा लापता है। तो भाई जनता को गुमराह करने वाले आप ही लोग हो ना, जनता पर क्या टाइम है, खेती गाड़ी करें बताइए। सिक्योरिटी इनके खुद के सिक्योरिटी वो थे जो पुलिस वाले को अंदर नहीं जाने देते थे, हाँ वो पुलिस वाले को अंदर नहीं जाने देते थे सिक्योरिटी करने के लिए, उनके सेवादार जो जो भी हैं उनके सेवादार तो कहूँगा नहीं, गुंडा गुंडे लोग होंगे वो, सेवादार तो ऐसे होते हैं कि बस सबकी सेवा ही करते हैं, लेकिन उनके खुद के बंदे अपने थे जो वो पुलिस वाले को ही अंदर नहीं आते। वो आप देख लीजिए बाबा कितना बड़ा खौफ था कि वो पुलिस वाले भी अंदर नहीं जा पाते, अभी भी जो मीडिया में दिखा रहे हैं वो पुलिस वाले बाहर ही तो होंगे, अंदर कहाँ गए, और बाबा तो लुप्त हो गया, काहे का बाबा हो गए, बाबा है तो उसको तो वहीं रुक के जाना चाहिए था, बचाना चाहिए था सबको, हैं तुम्हें चरण छुराने को इतना बड़ा शौक पड़ा हुआ है, बाबा लोग जो होते हैं वो कभी चरण छुराते ही नहीं है, वो तो हमेशा मना करेंगे आप चरण मत छुओ क्योंकि मेरे सारे पुण्य जो है चले जाएंगे, ये बाबा नहीं है, अल्टीमेटली फ्रॉड आदमी है। बाबा ने ये भी मतलब जो ये बाबा है भोले बाबा उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा की तुलना आप कहाँ किसे से कर रहे हैं, भगवान नाम तो आप छोड़िए ना, मैं असली सुनील पाल है लेकिन इन्होंने अपना नाम दे रखा, नाम रखने जनता बेवकूफ बनाने के लिए आप कुछ भी नाम रख लीजिए अपना, बाबा भोले बाबा के वो तुलना कर रहे हैं क्या, वो भगवान शंकर की किसी से कोई तुलना हो सकती है क्या, वो एक्चुअली उनके नाम पे ठग रहे हैं, ये सिर्फ ठगने के अलावा कुछ नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ गरीब लोगों को जनता देखती है, हो यहाँ इतना भीड़ हो रहा है तो नेता लोग अपने लालच में आते हैं कि बाबा बोल देंगे तो वोट हमको मिल जाएगा। आपने नेता का जो जिक्र किया इसमें मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे एक नेता का हाथ जरूर होता है, अखिलेश यादव का है ना, अखिलेश यादव ये मुलायम सिंह यादव ये सारे जाते थे और सारे इनके जो लफंडर हैं वो सब जाते हैं उनके, ये बिना किसी सपोर्ट के आपको लग रहा है इतना बड़ा सत्संग का जो उन्होंने आयोजन किया था, इतने लोग आए थे, बिना किसी के सपोर्ट में हो सकता है? मैडम कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा गलत ढंग से पेश कर रहे हैं आप, वो जिस तरीके से आपने पहले कहा था कि सत्संग में क्यों जाना, नहीं, क्यों जाना ये नहीं था मेरा, सुनो अगर एक हिंदू सत्संग में नहीं जाएगा क्या वो ताजिए में जाएगा? अच्छा ये अच्छा आपसे मेरा भी प्रश्न है आपसे, पहले क्या वो ताजिए में जाएगा? तो सत्संग होते हैं लेकिन आज जो आपदा आई है वो आपदा अपने आप नहीं आई है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमियां है, जहाँ 80,000 लोगों की व्यवस्था करी गई थी रुकने की और ठहरने की और वहाँ लगभग 1.25 लाख आदमी बढ़ जाता है तो वो अपने आप नहीं बढ़ता, वो उसको बढ़ाया जाता है, उसकी जांच होनी चाहिए कठोरता से और निष्पक्षता से, तो
उसकी जांच पे जो भी उसका परिणाम निकले जांच का, उसको अगर दोष ही निकलता है कोई भी, उसको सख्त कार्रवाई हो उसके खिलाफ, और उसको ऐसा दंड दिया जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। और फिर रही बात आतंकवाद संगठन सपा पार्टी, बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ मैं तो, आतंकवाद संगठन है जिसने एक आतंकवादी को एक सांसद बना करके हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी बैठाया, उसी में मुल्ला मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश की बात कर रहा हूँ, तो उनका वहाँ कंटिन्यू आना जाना था। अगर वहाँ ये घटना नहीं होती थी और कहाँ होती ये बताइए आप, बिल्कुल होती के 2.25 लाख जहाँ 80,000 आदमी की रोकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ 2.25 लाख जनता और अधिक आ जाती है, वह अपने आप नहीं आती, सिस्टम के द्वारा बुलाई जाती है, करने के षड्यंत्र के द्वारा बुलाई जाती है, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। क्योंकि ये जो थे शख्स जो थे, इन्होंने अपना नाम रखा कि भोले बाबा, लेकिन इनका जो कहना था कि आप भगवान की तस्वीर हटा दो, मेरे को भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ, उनका ये कहना था। आदमी के जब बुराई सामने आती है, जब उसके पत्ते खुलने शुरू होते हैं, जब तक पत्ते बंद होते हैं, जब तक उसका बफंडर चल रहा, जनता देख रही, लेकिन उसके बाद में उसकी कमियां निकलनी शुरू होती है। तो आज अगर एक आदमी, मैं आप घुमाऊंगा थोड़ा, एक आदमी एक तरफ भगवान राम का विरोध करता है, दूसरी तरफ शंकर भगवान की तस्वीर ला के बफंडर बचाता है, तो ये हिंदू को सोचने की आवश्यकता है, यहाँ हो क्या रहा। तो उन ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जिस तरीके के श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, इस तरीके के जितने भी लोग गठबंधन के, जैसे अखिलेश यादव हो गए, जितने दंगाई लोग जितने पहले से ही एक आतंकवाद संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आज जिसका आतंकवादी एक सांसद हो और उसका लीडर कौन होगा, वो भी आतंकवाद से ही संगठन का होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जिसने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवा दी, पूरे दंगे करा दिए यूपी में, आज तक यूपी को जंगल राज के नाम से जाना जाता, आज कैसे कहते हैं राम राज आ गया भाई, ऐसे कौन सी का तूफान बदल गया भाई 4-6 सालों में ही मिले, चार में ऐसे कौन सा परिवर्तन हो गया कि जो राम राज आ गया भाई है? अरे आज वहाँ काम हुआ है, न्यायपालिका पे काम हुआ है, प्रशासन पे काम हुआ है, वहाँ की व्यवस्थाओं पे काम किया गया है, वहाँ की जनता के लिए काम हुआ है, तो वहाँ की रास्ते काम तो जी जरूर, जब काम होता है जब ही व्यवस्था ठीक होती है, अन्यथा नहीं होती। लेकिन काम तो है, लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में एक प्रश्न उठाया था कि अयोध्या से फिर क्यों हारे हैं आप, मतलब इसको लेकर जो है काफी बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, फैजाबाद लोकसभा, मैं बताऊंगा इसका भी आंसर। अब चमचागिरी राहुल गांधी की करे वो मूर्ख कहलाए, अब महामूर्ख वो चमचा है जो सोनिया गांधी के गुण गाए, सुनना मैं आगे की बात बताऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज को, जो 11 साल से सत्ता से बाहर हैं, उन्होंने अपने गिरवान में झाके देखा कि तुम किस लिए बाहर हुए भाई है? तुम किस लिए बाहर हुए कि तुम ये कह रहे कि वहाँ से हार गए? क्या वहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो गया? क्या भारत के प्रधानमंत्री चेंज हो गए? क्या गृह मंत्री चेंज हो गया? क्या रक्षा मंत्री चेंज हो गया? कौन चेंज हुआ यहाँ का? सारे वे ही हैं जो पहले थे, आज भी भारत वही है जो अब से 1 साल पहले था। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ जो का तो है जो का तो सिस्टम चला हुआ है, परेशानी किन लोगों को है? कभी कोई लोकतंत्र खतरे में बता देगा, अभी संविधान खतरे में बता देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में, सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान है खतरे में, ना हिंदुस्तान है खतरे में, ना मोदी सरकार है खतरे में, हमें तो ऐसा लगता है कि गांधी परिवार का सुल्तान है खतरे में, ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हराम का माल है खतरे में। तो अपने माल की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो के तो, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो के तो, रक्षा मंत्री राजनाथ जी जैसे पहले थे ऐसी आज, गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे पहले थे ऐसी आज। अब यूं बताओ इस भारत की कौन सा प्रशासन चेंज हो गया? तो क्या है कि भाई खुशियां मना रहे हैं भाई,
हार की खुशियां मना रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे। ऐसे पब्लिक बेवकूफ नहीं बनती कि आप झूठ तूफान बोल के दूसरों को बरगला के कि आप अपना उल्लू सीधा करने की चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ ये भारत है, भारत ही रहेगा। कौन सी इनकी राजनीति थी कि इस देश को इस्लाम धर्म में इसको बदलने की, तो ये अगर मोदी जी समय पे ना आते तो आज पता नहीं क्या होता है। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से जो है सपा के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने बयान दिया कि हादसे हैं, होते रहते हैं, जैसे कि हादसा। उसने हादसा बोला ना, उसे घर में बम फेंक दो, उसको मार दो, हादसा होगा। इतनी प्रॉब्लम मर गई है, फिर भी कहते हादसा हादसा कैसे हुआ है? ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, और वहाँ के स्टैंड जो बैंक उसको परमिट से उसको कार्रवाई होनी चाहिए। हादसा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, और जनता सड़क पर बैठी है। उनका घर बार चला गया, कितने बंदे मारे गए, परमिट से किसने दिया आपको? वो हादसा कैसे बता रहा है? पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बोल रहा है हादसा हादसा, तेरे साथ कोई मर जाते घर में तो बंदा क्यों होगा? गरीब बन गए, और भी बंदे हैं, खेती जारी करते हैं। तुम्हें परमिशन तो किसने दी थी? परमिशन क्यों दू? पहली बात तुम्हारे सुविधा ही नहीं आपके, ना सिक्योरिटी, ना गार्ड, उनके बंदे धक्का बाबा फिर गायब हो जाता है। ये सब कुछ नहीं है। ये राहुल तो अभी कुछ नहीं बोला, राहुल गया, मुख्यमंत्री गया है वहाँ का, योगी ऐसे कुछ नहीं है। पर योगी रिमांड लेगा, किसको नहीं भगतेगा? कुछ बंदे पकड़े गए और कुछ भागे हुए फरार है। तो लगाओ इतनी बुबदा तो कहाँ लगाओ, 2.5 लाख तो काफ़ी होता है बाबू जी। ऐसे साधु संत भी आए होंगे, उनके बच्चे भी आए होंगे, गर्मी में बताओ क्या है? तो खाना खाने गए थे। ये लोगों को घुमराह कर रखा है, कुछ तो पैसे का डंका बजा रखा है, कुछ बाबा बदनाम कर रखा है, क्योंकि भगवान बदल भगवान का भी चाहते हैं कि डांस हो। ये अब ये तुम्हारी गुंसिया जो अभी बोल रहे थे वो भी ये दूसरी होते अभी जो राधे 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 माँ, राधे माँ है क्या? वो भगवान है क्या? राधे माँ करोड़ों रुपये खाती है, डांस करती है, ये भगवान है? ऐसा लोगों की आस्था इनके प्रति कैसे जुड़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? ये गलत रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं, लोग गुमराह कर रखा है। ये पार्टी है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है। कार्रवाई होगी, बाबा भागा हुआ है, कुछ वहाँ पे भी गए हैं बंदे, सीबे ढकार के सारे कब जो आया, कुछ बंदे पकड़े गए। ऐसा नहीं जनता ने छोड़े उनको, वो यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले नहीं है। अभी बहुत हाल तो मीडिया देख लो, अभी दंगे भूज के होंगे। जहाँ एक तरफ जो है धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, लेकिन एक तरफ हिंदू ही धर्म में मतलब फायदा उठा के उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, धर्म एक ही होता है। तो धर्म धर्म तुम किसी के धर्म के बारे में बोलेंगे? अब राहुल जी बोल रहा है, राहुल क्या बोल रहा है बताइए, है राहुल क्या बोल रहा है? सुना आपने, हिंदू ये होते हैं, उग्रवादी होते हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। जनता से बट गई, राहुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुद्दा हुआ है बहुत गंदा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो बवाल होता, कार्रवाई पक्की होगी। जी नमस्कार। जिस तरह से भी हाथरस में जो हादसा हुआ, एक सत्संग के पीछे, एक बाबा के पीछे लोग इतने मतलब दीवाने हो गए कि उस चक्कर में कितने लोग जो है मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मौत हो गई, और ज़्यादातर महिलाएं जो है इसमें शामिल थी। तो ऐसे बाबाओं के झांसे में कैसे लोग आ जाते हैं, क्या कारण लग रहा है इसके पीछे आप? एक्चुअली में मुझे जो लग रहा है रियलिटी ये है कि एक चीज़ पता चल गई है, स्पिरिचुअलिटी। और आजकल की जनरेशन जो है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में इतने अपडेटेड रहते हैं कि कहीं से हमें ये पता चल रहा है कि भगवान की ये पूजा करो तो ये होगा, इतने सारे रील्स जो हम लोग को पता चल रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अगर हम सुबह उठ के सूरज को लेफ्ट साइड से जल चढ़ाएंगे तो हमारे घर में बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, हमारे हस्बैंड हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे अगर हम लेफ्ट राइट में सोएंगे। ये सारी जो अंधविश्वास है, पहले तो ये होता था कि हमको हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सारी चीज़ें नॉलेज में मिलती थी, अब सोशल मीडिया ने उस चीज़ को इतना फैला दिया है कि एक छोटी सी चींटी को भी हाथी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाथरस इज अ केस जिसमें जो लोगों की स्पिरिचुअलिटी है, लोगों का जो स्पिरिट है, गॉड से कनेक्शन है, उसका टोटल मिसयूज हुआ है। एंड उसको आई विल नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दैट। ऐसा रहता है, मैनेजमेंट रूल्स भी रहते हैं कि मैनेजमेंट ने उसको चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया या मैनेजमेंट ने केयर टेकिंग प्रॉपरली नहीं की। बट ये जो लोगों का अंधविश्वास है, जो स्पिरिचुअलिज्म को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं कि हाँ अगर इनने बोल दिया कि सुबह बिना पानी पिए हमको पूरे घर का पोछा लगाना है, तो ये जो चीज़ें हैं, हम आज की डेट में हर व्यक्ति एजुकेटेड इतना है कि वो व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टाग्राम चला सकता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पे जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो इसमें सारे के कॉन्सिक्वेंसेस, सबकॉन्शियस माइंड, सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये जो बाइफर्केशंस हो रहे हैं चीज़ों में, एक्चुअली में आज की डेट की जनता जो है वो एक बिल्कुल अंधे रेस में दौड़ रही है डिजिटल मीडिया की।
उसमें जो भी चीज़ें आ रहा है जैसे भी आ रहा है हम ग्रास्प करते जा रहे हैं, बट हम अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं रहे। उसका बेस्ट एग्जांपल यही था कि जो हाथरस में अनएक्सपेक्टेड लोगों को जो बुला लिया गया और वो जो उनकी पाँव की धूल को जो लेके वहाँ पे क्रिएट किया गया, वो सिर्फ व्हाट आई फील इज़ इट्स जस्ट इन पॉम्प एंड शो कि जिससे वो बाबा को थोड़ी सी सेलिब्रिटी इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो थोड़े से बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाए, जिससे और जनता क्रिएट होती जाए और लोग आते जाए और उनको एक सोशल रिकॉग्निशन अच्छा मिलता जाए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जब आएगी, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो इसको एक अलग रूप से रिप्रेजेंट। सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें आती रहती हैं कि कई फेक बाबा पकड़े गए हैं, कई आसाराम की बात करें या फिर निर्मल बाबा की बात करें, कई फेक बाबा पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन बाबाओं से। यही मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि जैसे मैं आपका एक वीक पॉइंट पता कर लूँ कि भाई आपको पानी पीने से आपका वेट गेन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट माइंड, ठीक है। अब मैं आपको रोज़ रेगुलरली मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने पानी में नींबू निचोड़ के पीजिए, आप अपने पानी में अदरक डाल के पीजिए, आप अपने पानी में लहसुन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वर्कआउट करेगी। वो भले ही हम दूसरे व्यक्ति पे देख रहे हैं कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट वी विल सम हाउ वर्क, हम सोचेंगे यार ये चीज़ हमारे पर शायद से काम कर जाए। ये जितनी भी रिवर्सल थेरेपीज चलती ये सब उसी का एग्जाम्पल्स है। जो सोशल, मैं तो पूरी ब्लेम सोशल मीडिया को करूँगी कि सोशल मीडिया हर चैप्टर को एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करती है, वो फॉर्मेट जो उनके लिए फेवरेबल हो, उनके लाइक्स और कमेंट्स को बढ़ाए, ये उसके उसका ही एग्जाम्पल है हाथरस कांड। मैं तो पूरा ब्लेम सोशल मीडिया को दूंगी एंड आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इफ इट इज़ लिसनिंग कि सोशल मीडिया को ब्रेक करने का, उसको कंट्रोल करने के जितनी भी पॉलिसीज और रूल्स हैं वो जल्दी क्रिएट करें, जिससे जो फ्यूचर आने वाली जो मिडिल जनरेशन हैं वो तो कम से कम सेफ रहें। क्योंकि अगर वो भी आप देखिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को वो दिला दिया जा रहा है, क्या बोलते नहीं मोबाइल तो इट्स ओके, बट उन लोगों को वो गुरुजी लोग वो आके क्या वो दे देते हैं, अपना दक्षिणा दे देते हैं, या उन लोग बोल देते हैं कि आप हमारे अंडर में आ जाइए, उसको द वर्ड आई एम मिसिंग दैट वर्ड। तो ये छोटे 10 years old, 12 years old क्या बच्चा समझेगा कि सुबह उठ के क्या करना, क्या इट्स अ यंग एज टू लर्न थिंग कि आप 10 साल 20 साल बाद भविष्य में सोसाइटी से कैसे रन करोगे। आप आज से ही गुरु दीक्षा ले लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा। गुरु दीक्षा में भी यही रहता है, यू हैव टू गो एंड बैक बोरो एवरीवेयर। अब अगर योर चाइल्ड इज़ बॉर्न, माई चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो एक अच्छी एसी वाले कमरे में बॉर्न हुआ है, उसको क्या मालूम गुरु दीक्षा क्या होती है। तो ये जो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो कन्वर्ट हो रही है डिजिटल मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसको एनी हाउ द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रेक इट इन अ सेंस। जो चीज़ें पॉजिटिव नहीं है सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो बिल्कुल अपडेट होनी ही नहीं चाहिए। आप देखिए अभी रिसेंटली आया था कि कोविड के वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ रिजल्ट आया इसका, कहीं कोई प्रूफ नहीं हुआ, जॉन हॉपकिंस की रिपोर्ट, इसकी उसकी सब रिपोर्ट डाली, कुछ रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया। सो माई पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें जो इलैबोरेट हो रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। हो सकता है ये बाबा इस चीज़ को इस तरीके से रेन्यूवेट करें कि देखो हमारे भक्तगण हमारे चक्कर में डेथ हो गई, वो सबको स्वर्ग मिल गया। ही कैन रिक्रिएट दिस थिंग इन दैट वे कि जो हम जिनकी डेथ हुई वो डेथ इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि उनको स्वर्ग मिलना था। तो चीज़ों को जो एक ना प्लान ए और प्लान बी, 20s, आप आज से 20 साल पहले चले जाओ तो सिर्फ प्लान ए चलता था, पापा दादा ने बोल दिया वी हैव टू वर्क दैट। आज प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल मैनेजमेंट तो इसका रीजनेबल है, इसका कारण दोष तो मैनेजमेंट को मैं दूंगी, बट सोशल मीडिया का भी उतना ही सहयोग है जितना कि एक नॉर्मल व्यक्तियों का है जो उस केस में फील हुए हैं या उस केस में जिन लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ है। दैट्स माय व्यू। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका।